नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं दिखाऊंगा कि सीड्स को हम कैसे ग्रो करते हैं, बीजों को किस तरह से अंकुरित करते हैं लगाने से पहले। तो ये देखिए कुछ सीड्स हैं, ये मेरे पास खुबानी के और चेरी के सीड्स हैं। इस तरह से हमने इनको उगाया है। ये देखिए जर्मिनेशन, जड़ें इनसे निकल रही हैं। तो कुछ इस तरह से कुछ स्पॉट बन जाते हैं जहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है। मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे ये देखिए, आप ध्यान से देखते हैं, हम ये फंगस जैसे यहाँ पे ग्रो कर गई है। तो हम क्या करेंगे, फंगस को रिमूव करेंगे थोड़ा सा और इस पर एंटी फंगल लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे हम एंटी फंगल का इस्तेमाल करके इस स्पॉट पे, जैसे स्पॉट है जैसे जिसमें फंगस लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको मैं साफ करूंगा, पहले हम इसको साफ करेंगे। ये मैंने हटा दिया है, इसको देखिए ये हटा दिया है चिमटे की सहायता से। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा एंटी जो फंगल है मेरे पास, ऊपर ऑक्सी क्लोराइड वो थोड़ा लगा देते हैं, कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। ये अब इसको हमने कवर कर दिया है फंजीसाइड से। तो इस तरह से मैं इनको फील्ड में लगा दूंगा। अभी ये कुछ हैं जो अच्छे से ग्रो कर गए हैं सीड्स, इनको हम, कुछ सीड्स हैं जिनके अंदर फंगस घुस जाती है, बीच में फंगस घुस जाती है, उनको मैं इस सॉल्यूशन में डबो देता हूँ। ये एंटी फंगल का मैन कॉलिक का सॉल्यूशन है, तो इसमें थोड़ी देर डबो के रखते हैं ताकि वो फंगस, और इनको लगाने से पहले फील्ड में जब जर्मिनेशन शुरुआत जो होती है जर्मिनेशन की, जहाँ मिट्टी में हम इनको लगाते हैं, उनमें लगाने से पहले एक बार फंगस से इस तरह से ट्रीट कर देते हैं, जहाँ जहाँ फंगस के स्पॉट हैं, निशान है इस तरह से। तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है, हमारा फीड सीड जो है वो ख़राब नहीं होता। और ये पहले से कुछ सीड्स हैं जो हमने ग्रो किए हुए हैं पॉलीथीन्स में। तो मैं जैसे आपको दिखाऊं, जैसे ये सीड है, हम ये ग्रो करेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ी मिट्टी को ऐसे दबाऊंगा, ये पहले से कंपोस्ट और मिट्टी को मिला करके हमने ये बनाया हुआ है इस तरह से। और मैं जो जड़ है वो नीचे की तरफ थोड़ा आराम से, बिल्कुल, क्योंकि जड़ बड़ी निकली हुई है, टूट नहीं जाए कहीं, और हम इसको पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा बाहर रहने देंगे। जैसे और सीड्स को आप देख रहे हैं बाहर हैं थोड़े से, ये काफ़ी सीड्स हैं। देखिए आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ा भी ग्रो किया हुआ है इसने, और एक पेड़ और भी है मेरे पास बड़ा काफ़ी, देख सकते हैं आप, ये भी ग्रो किया है मैंने इसी तरह से। तो इस तरह से ये एक बीज पत्र बच गया, सिर्फ एक बीज पत्र है, वो किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसके साथ दोनों चीज़ें अटैच हैं, रूट भी इसके साथ अटैच है, और जो आपका शूट है वो भी अटैच है। तो इसे हम, इसे भी ग्रो कर देंगे, ये ग्रो होगा नहीं होगा डिपेंड अपॉन कंडीशंस, लेकिन हम इसको लगा देंगे मिट्टी में। अब ग्रो होना नहीं होना इसकी इच्छा है। इस तरह से मेरे पास ये सीड है एक, इसको भी हम मिट्टी में लगा देंगे इस तरह से। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने पहले सीड्स को ग्रो जर्मिनेट करने से पहले प्रिपेयर किया था किसी अन्य वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़।